आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सीएसआर एग्जाम में 2022 में रियल एनालिसिस सेक्शन में पूछा गया था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उन चारों सेट में से कौन से सेट्स काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल है, ये देखना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट से था। तो वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0-1 to नेचुरल नंबर n। हमें ये देखना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, इसके काउंटिंग देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0-1 to नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल मैप्स, इनके काउंटिंग अगर हमें पता चल जाए तो हम बता पाएंगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सेट ऑफ ऑल मैप्स, ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका, सेट ऑफ ऑल मैप्स From A to B is इनकी काउंटिंग है cardinality of B to the power cardinality of A। cardinality का मतलब क्या होता है? cardinality का मतलब होता है number of element into the set A। तो मतलब ये question है set of all maps from 0-1 to n। इसे अगर आप A मान लिए, उसे B मान लिए, तो उनकी counting क्या है? number of element into B to the power number। okay? अब बात आती है कि कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या होता है और कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या दिया गया है। अगर आप देखें कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए, तो ए में दो एलिमेंट हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये हो गया कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर 2। अब सारा सारा क्वेश्चन ये आता है कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एलिफ नॉट से। ये नोटेशन है एलिफ नॉट, और आपको पता है कि n क्या है? काउंटेबल है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, जो कि काउंटेबल इनफाइनाइट है, हम उसे क्या डिनोट करते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ n इज गिवन बाय दिस, दिस इज एलिफ नॉट। तो अगर कोई भी सेट है उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट के बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल है। अब हम आते हैं यहां पे इस सेट के बारे में, देखते हैं क्या इसकी कार्डिनलिटी इसके बराबर है। इसके बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाए। देखते हैं क्या है इसकी कार्डिनलिटी। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगी? कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो उसके हिसाब से क्या आएगी कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली कार्डिनलिटी ऑफ बी इज दिस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अगेन एलिफ नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय एलिफ नॉट। एलिफ नॉट इज द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटेबल, सो बेसिकली दिस सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। सो आंसर इज व्हाट? काउंटेबल। ओके, ऑप्शन बी क्या है? अब आपको यह चेक करना है कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू 0-1, अब ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। 0-1 से n तो हो गया आपका काउंटेबल, बट आप ये देखेंगे कि n टू 0-1 पे जो मैप्स आएंगे उनकी काउंटिंग क्या होगी, वो अनकाउंटेबल होंगे। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था आपको अभी बताया था मैंने आपको, कार्डिन अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n टू, ये क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, इफ दिस सेट इज ए दिस सेट इज बी देन सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम ए टू बी, उनकी कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है? दिस इज इक्वल टू 2। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है? ए क्या है आपका? नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? एलिफ नॉट। तो काउंटिंग आ गई आपके पास। सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम एन टू 0-1 इज गिवन बाय 2 टू द पावर एलिफ नॉट, और इसका एक नोटेशन भी होता है, इसे हम कहते हैं सी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सी, एंड सी इज कॉल्ड कंटिन्यूम, एंड इट इज द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर। तो अब बताइए आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम एन टू 0-1 इज गिवन बाय 2 टू द पावर एलिफ नॉट विच इज इक्वल टू सी, सी इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूम, एंड दिस इज बेसिकली कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर आर। और आपको ये पता है कि r इज अनकाउंटेबल, और अगर r अनकाउंटेबल है, इनकी कार्डिनलिटी r की कार्डिनलिटी के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। सो आंसर इज अनकाउंटेबल। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सी। सी क्या कहता है आपको? देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n क्या है?
सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताइए ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि अगर कोई सेट ए है, इसमें एन एलिमेंट है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसका मतलब क्या होगा कि आपसे मैं पूछूंगी इसके सारे सबसेट्स कितने हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज गिवन बाय पावर सेट ऑफ ए, और इनकी कार्डिनेटी क्या होती है, 2 to the power n। सिंपल, वही यहां पे भी है। यहां पे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, मतलब वो आपसे बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ n, ये बताइए कि ये क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। फिर वही बात हो गई, पावर सेट ऑफ n में कितने नंबर होंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power, यहां पे आप क्या लिखेंगे, जैसे यहां लिखा a में n एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट है। तो अगर n में एलिफ नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ n में कितने एलिमेंट होंगे, दिस नंबर एलिमेंट। आपको पता है दिस इज इक्वल टू c, व्हिच इज अगेन कार्डिनलिटी ऑफ r, इट मींस दिस इज अगेन अनकाउंटेबल। तो ये भी आपका हो गया क्या, अनकाउंटेबल। अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, ये तो और आप समझ गए होंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R, ये देखिए अब तो और बड़ी बात आ गई, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो इसी के बेसिस पे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R बेसिकली व्हाट, दे आर पावर सेट ऑफ R। अब बताइए R ही अनकाउंटेबल है, यहां पे तो पावर सेट ऑफ R की बात कर रहे हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अगर R में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट C है जो नोटेशन कंटिन्यूम है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2C, एंड 2C इज ग्रेटर देन C, इन फैक्ट 2C इज ग्रेटर देन C, सो ओवरऑल व्हाट वी कैन से कि भाई ये तो 100% जो है अनकाउंटेबल है। ओके, तो फाइनली आपके पास ऑप्शंस है कि कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, फिर से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस टॉपिक को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बेसिक ये जो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है कि कार्डिनलिटी ऑफ रियल इज सी, ठीक है, तो कोई भी सेट है जिसके कार्डिनलिटी सी है या सी से ज्यादा है तो वो अनकाउंटेबल होगी। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज एलिफ नॉट, ठीक है, तो कोई सेट है जिसे कार्डिनलिटी इससे कम है या एलिफ नॉट के बराबर है तो वो काउंटेबल है, इनफैक्ट एलिफ नॉट के बराबर है तो काउंटेबल इनफाइनाइट है। तो इससे रिलेटेड थियरी, फिर जो इससे रिलेटेड जो एरिथमेटिक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था एलिफ नॉट पे स्क्वायर करके एलिफ नॉट लिख दिया था, ये सब आप थोड़ा स्टडी करिए, आगे चल के मैं अपने लेक्चर्स में वैसे तो कवर अप करूंगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए जरूर ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगा, देन जरूर पूछेगा मुझसे, मैं जरूर आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस माय अपडेट देन प्लीज डू वॉच मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।